फ्रॉम द मार्केट यस फ्रेंड्स बट आप अगर ट्रेडिंग जर्नी की बात करो या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करो वहां पर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करना चाहते हो और आपके अपने नॉलेज में चीज को एड करना है यूजिंग द टेक्निकल चार्ट एनालिस yes तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस ऑफ दैट टेक्निकल चार्ट रिसर्च इन डिटेल किस तरह से आप भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी का यूज करके जब रिवर्स ट्रेंड होते है उसमें आप एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट आप अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर बना सकते हो तो लास्ट तक बने और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो

टली डाउन ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिला जिसका लो बना था ऑलमोस्ट फाइव फिफ्टी रुपीज के अराउंड्रेंड तो यहाँ पे आप देखते हो तो एक मैंने लाइन रोके ऐसी ट्रेंडिंग रजिस्टेंस लाइन जो सभी चार्ट में आपको इजिली मिल जाएगा आप अगर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको इजीली यहां से मिल जाएगा यस फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो तो पे पे मैंने एक एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी करके रखा है ओके ओके आप आप भी कर सकते हो हो अपने चार्ट में okay? और यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो जब तक क्रॉस ना हो जाए यहाँ पे आप देखते हो दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है उसके जो प्रीवियस लो है और उसका जो प्रीवियस आय है वहां पे टच होना जरूरी है सी आपका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस उस हिसाब से ड्रॉ करना है कि जब ब्रेकआउट जो लाइन को कर रहा है उससे प्रीवियस करना जरूरी है तो यहां पे ऑलरेडी तो ये ये तो यहां पे, पे मैंने लिया हुआ है, वहां से इसको यहां पे टच किया ये बॉटम है और यहां पे ब्रेकआउट है ओके okay. अभी ब्रेकआउट होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं जब भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिला तो इसको ऊपर जाते

कन्फर्मेशन you तो know, so, ये जो था ट्वेंटी नाइन्थ मे को ये इसको क्रॉस किया और कन्फर्मेशन क्लोज दिया तो दैट्स रिवर्सल ऑफ ट्रेंड इंडिकेशन तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल गया है तो so, अभी आप देखोगे जैसे जैसे आगे जाओगे तो ये चार्ट कभी भी ए पॉइंट के नीचे नहीं आया उसके बाद सी यू कैन सी द एंजॉय द राइट दैट्स वॉट द ट्रेंड इज ऑल अबाउट रिवर्सल सी कंप्लीटली रिवर्सल ऑफ द चार एंड अगर मैं उसको आप जूम करते हो तो जूमआउट करता हूं तो भी आपको देखने को मिल रहा है यू कैन एंजॉय वॉट द एग्जेक्टलीट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल दट इज अ टाटा एलेक्सी ओके टाटा एलेक्सी में भी कुछ ऐसा ही बना था तो so यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द कंप्लीटली अप ट्रेंड ओके एंड देन आप इट्स मेकिंग हाई Uh, on the date of September 2022, okay, it's almost 10,000 rupees high. And then after new downtrend is started, downtrending started, yes friend. Now I draw one line over here, see, all time high से मैंने एक line draw किया, okay. और यहाँ पे it's a breaking out. तो इसका previous low और इसके यहाँ से आपको line यहाँ पे touch करना चाहिए. तो ये यह line यहाँ पे touch किया. ये three points आपको याद रखने सी. जब भी यहाँ पे breakout दे

वहां पे ब्रेकआउट हमें कब देखने को मिला तो कि यहां पे ऑन द डेट ऑफ 26 सॉरी 23 जनवरी को ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला तो दैट्स राइट टाइम टू टेक पोजीशन इनटू टाटा एलेक्सी उसके बाद आप देखोगे तो ये जो लो था दैट इज दिस वन लो उसको ब्रेक नहीं किया उसके बाद थोड़ा नीचे आया था ओके okay? ये, ये इसके लो के नीचे थोड़ा ये नीचे है तो वापिस से ये ऊपर चला गया ओके okay? ये जो प्रीवियस लो था उनको वो नहीं किया ब्रेक तो इस दैट मीन्स के ये रिवर्सल ऑफ ट्रेंड हो चुका है और आप देख सकते हो यू कैन एंजॉय द गुड अमाउंट ऑफ राइट्स ओके सो इट्स अ कंप्लीटली न्यू ट्रेंड एंड दिस इज वॉट यू कैन गेट ओके लेट्स टेक वन मोर ओके्पल रिसेंट एग्जाम्पल दैट इज आवास यू नो आवास फाइनेंस में ये ट्रेड uh, हम चेक करते हैं आवास फाइनेंस में भी इस तरह से न्यू बिग डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है ओके सो हियर द फर्स्ट ऑफ फेब्रुआरी ऑल टाइम हाई बना था ऑलमोस्ट उससे पहले ट्रेंडिंग अप था उसके बाद यहाँ पे हाई बना ओके okay, वो हाई पॉइंट आपको लाइन ड्रॉ करना है लाइन ड्रॉ करते करते आना और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इसी

थोड़े दिनों के बाद तो आपको ये चार्ट ऊपर होता हुआ देखेगा. यस फ्रेंड्स लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दैट इज आई थिंक कैंपस यस फ्रेंड्स सो कैंपस का भी एग्जांपल रहे क्योंकि ये सारे डाउन ट्रेंड वाले चार्ट है इसीलिए मैं सारे एग्जांपल ले रहा हूँ. ओके बट दिस इज व्हाट द होप यू लर्न दिस थिंग्स इन डिटेल ऑन तो आप You know, यू नो अगर आप दो तीन बार एक दो बार और देखोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा इन डिटेल में बट मैं डायरेक्टली स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ तो तो दिस इज एंड देन दिस इज अ पीक बैक इन 2022, द डाउन ट्रेंड इज स्टार्टेड ओके एंड दिस इज द बॉटम और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला सी हियर द ब्रेकआउट यू कैन सी ओवर हियर ओके तो ब्रेकआउट उसके प्रीवियस का लो देखना दिस इज द लो ओके तो अभी मैं एक पेन के साथ जाता हूं ओके okay, तो आपको ज्यादा पता चलेगा दिस इज वॉर्ड द ब्रेकआउट ओके दिस इज द प्रीवियस लो ओके और ये प्रीवियस लो का प्रीवियस हाई कौन सा है दिस इज द हाई यस फ्रेंड तो ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और ये जो पॉइंट्स है इनको हमें कहां पे टच करना है ये पॉइंट के साथ टच करना है सी दिस okay? तो ये, से, ये कहां से हमें मिला प्रीवियस okay? तक ये कैसे ब्रेकआउट तो, okay, तो के प्रीवियस देखना है यहां पर लाइन तो इस तरह से आपको लाइन ड्रो करना है सी दिस इज वॉट द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीट टू नॉट डाउन ओके तो ये लाइन आपको इस तरह से आग, जब आप ड्रो करोगे तब आपको एग्जेक्टली exactly पता चलेगा ओके okay? अभी uh,

डाउन ट्रेंड देखने को मैं okay? okay? so, आप देखोगे बी इजी फॉर यू ओके तो uh, uh, okay? so, okay? so, यहाँ पे मैं एक uh, ए, ए, ए हाई है ठीक है वहां से मैं एक लाइन ड्रो करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है ट्रेंड रजिस्टर लाइन सिलेक्ट करना है इसका हाई लेना है ओके okay? और हाई लेने के बाद आपको uh, ये जब तक क्रॉस ना हो तब तक ड्रॉ करना है सी यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे आपको क्रॉस देखने को मिला है ये पॉइंट पे क्रॉस हो चुका है राइट तो यहाँ पे क्रॉस हुआ ओके इसका प्रीवियस बॉटम और यहाँ पे मैंने टच किया क्यों टच किया अगर आप देखोगे तो ये क्रॉस हुआ यहाँ पे ओके इसका प्रीवियस लो ओके ये प्रीवियस लो है ओके और यहाँ पे ये हाई है यस फ्रेंड ओके तो ये इसका प्रीवियस आये उनको अपने टच किया तो यहाँ पे मैं टच कर देता हूं ओके और यहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो तो तो, you know, तो है तो अ राइट टाइम टू यू नो टेक पोजिशन तो यहाँ पे ये आया उसके बाद ये नीचे आया तो हमें लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है दैट इज लाइन ओके okay? और यहाँ पे जस्ट राइट नाउ इट्स अ ब्रेकिंग आउट सी दिस इज द क्लोजिंग कैंडल सो दैट्स यू नो राइट टाइम टू टेक पोजिशन इन इन्फोबिंस एंड नाउ यू कैन एंजॉय दिस राइड ओके दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निकल चार्ट रिसर्च यू नो टू आइडेंटिफाई द न्यू ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके साथ आपसे डिस्कस किया आपको समझा किस तरह से आप भी इस तरह से यू नो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी को सीख के आप अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट में से निकाल सकते हो ये uh, वीडियो स्पेशली वो ही मतलब रिसेंटली वी कंप्लीटेड थाउजेंड सब्सक्राइबर एंड व्हाई वाई शेयर द वन ऑफ द सीक्रेट स्ट्रेटेजी विथ यू ओके फ्रेंड्स एंड आप भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा आपको अगर ट्रेनिंग करना है तो मैंने नीचे नंबर भी दिया वहां पे जाके आप हाई कीजिए वी कैन गाइड यू एग्जैक्ट वे हाउ यू कैन डू दिस ऑल रिसर्च हाउ यू कैन यूटिलाइज यू नो दिस ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन ऑल दो सो होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो होप यू लाइक दिस वीडियो आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए कमेंट कीजिए हमें व्हाट्सएप कीजिए ओके वील डेफिनेटली सजेस्ट यू राइट वे To do the trading and investment journey. Hope you enjoy this video. Hope you like this video. And let's meet into the next video. Thank you for watching.